आखिर जुग जुग जियो के लिए करण जौहर पर किसने लगाया कहानी चोरी का इल्जाम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर और अनिल कपूर स्टारर अपकमिंग फैमिली ड्रामा फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 22 मई को फैंस के सामने ये ट्रेलर आया और लोगों ने इसको जमकर शेयर किया, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन ऐसे में एक ट्विटर यूज़र ने करण जौहर की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस ट्विटर यूज़र ने स्क्रिप्ट चोरी का सीधा सीधा आरोप लगाया है फिल्म के मेकर्स पर। यूज़र ने कहा कि फिल्म की कहानी उनकी लाइफ की है। आपको बता दें, जुग जुग जियो के ट्रेलर के कुछ ही घंटों बाद एक ट्विटर यूज़र ने मेकर्स पर फिल्म की कहानी चोरी का आरोप लगाया। यूज़र ने कहा कि साल 2020 में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन को इसकी कहानी को प्रोड्यूस करने के लिए मेल किया था। शुरुआत में प्रोडक्शन हाउस ने दिलचस्पी दिखाई, उसके बाद इस पर फिल्म बना डाली जुग जुग जियो, लेकिन इस बारे में मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, धर्मा मूवीज और फिल्म के निर्माता करण जौहर को ट्रैक करते हुए ट्विटर यूज़र ने लिखा, बनी राजा और SW इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने एक स्टोरी रजिस्टर कराई। मैंने ऑफिशियल तौर पर फरवरी 2020 में धर्मा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस का ये मेल भी डाला। मुझे उनसे जवाब भी मिला, उन्होंने मेरी कहानी लेकर जुग जुग जियो बनाई, लेकिन करण जौहर ने ये ठीक नहीं किया। इतना ही नहीं, यूज़र ने जिस दिन मेल किया था उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। उन्होंने 17 फरवरी 2020 को अपना मेल किया जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने लिया है। वहीं दोस्तों, अब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को धमकी दे डाली है। ट्वीट करते हुए यूज़र ने लिखा, कहानी अच्छी लगे तो बात करो, हाथ मिलाओ, फिल्म बना दी बिना कुछ बताए, ये किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए अच्छा नहीं है इस तरह की चोरी चकारी करना। अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो इंडस्ट्री में किसी के साथ भी हो सकता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और कहा कि मुझे पता है कि मेरे साथ जो हुआ है वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चुप रहना चाहिए। मैंने झंडा फहराने का फैसला किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें बंद हो, हमेशा ये सब नहीं चल सकता। इस पर करण जौहर और फिल्म के मेकर ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। अब देखना होगा इस यूज़र को कैसे जवाब देते हैं करण जौहर। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।